हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राजेंद्र और मेरी तरफ से आपके लिए प्यार भरा नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक स्नेक प्लांट है। इसमें मेरा स्नेक प्लांट लगा हुआ है और इसमें मेरी मनी प्लांट भी है और काफ़ी कुछ और पौधे हैं। ये देखिए, स्नेक प्लांट की मैं बात करूँ कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फेमस पौधा है। तो ये मैंने अपने कनस्तर में लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इस पर मेरी सीडलिंग भी है और ग्रोथ भी हो रही है। और इसमें इसके साइड में लगाई हुई है मैंने मनी प्लांट, ये आप देख सकते हैं काफ़ी इस पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। ये देखिए, इधर भी लगाई हुई है। ये मैंने मनी प्लांट कटिंग से उगाई है, आप देख सकते हैं काफ़ी कटिंग से मनी प्लांट भी उगता है, कटिंग से ये भी उगता है। ये देखिए, हम आपको दिखाएं मेरी ये कुछ इनकी जो स्नेक प्लांट है इस पर काफ़ी, ये दिखाऊँ आपको मैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये टूटा हुआ था, ये देखिए इसकी भी हम कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। इसे मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगा तो आप इसे लगा सकते हैं। आप इसमें कंपोस्ट खाद भी लगा सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, मौसम में काफ़ी चेंजिंग आई हुई है, तो आपके प्लांट्स है जो कि ग्रीन नेट में रखे हुए हैं तो आप बाहर रख दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि धूप ज़्यादा ज़्यादा पड़ नहीं रही है, कई बार शाम के टाइम मतलब गर्मी के कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। और ये स्नेक प्लांट एक ऐसा ऐसा पौधा है, इसमें 5 तत्व हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। आप इसका इसका जो अर्क होता है उसको आप इस्तेमाल कीजिए तो शरीर के अंदर रोग ही नहीं बनेगा दोस्तों। इसमें से एक पौधा और आता है एलोवेरा। एलोवेरा भी एलोवेरा में भी 5 तत्व होते हैं, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है शरीर के लिए। क्योंकि यदि आप इसका अर्क का सेवन करते हैं तो काफ़ी अच्छा है आपके शरीर के लिए। और रही बात दोस्तों इसकी, जैसे कि आप ये देखिए जो मेरी इसमें बाटन लगाई हुई है मैंने, इसमें मेरा एक पौधा लगा हुआ था, अभी मैंने जो निकाल के रख दिया है। इसमें देखिए अब ये होल बन रहा है, यहाँ से देखिए आपको बताऊँ, होल ये होल काफ़ी लंबा चौड़ा होल है ये देखिए। और इसमें ये मैंने कनस्तर में लगाया हुआ है, ये देखिए जो कि इसे टीन वाला कनस्तर बोलते हैं, इसमें लगाया हुआ है मैंने ये पौधा। और इसकी आप मनी प्लांट की या स्नेक प्लांट की आप कटिंग लगाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये देखिए इसकी कटिंग भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, कटिंग लगाकर आप इसे आसानी से उगा सकते हैं।